हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज का हमारा टॉपिक है स्पाइनल नर्व्स सो इस वीडियो में हम स्पाइनल नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे इन अ वेरी इजी वे सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं स्पाइनल नर्व्स इज़ अ पार्ट ऑफ पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम सो स्पाइनल नर्व्स पी के अंडर आती हैं सो पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम या फिर स्पाइनल नर्व्स का क्या काम है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड को हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी के साथ कनेक्ट करना ताकि हमारा ब्रेन स्पाइनल कोड हमारी बॉडी एक कोऑर्डिनेशन में काम कर सके एफिशिएंटली काम कर सके। देयर आर थर्टी वन पेयर्स ऑफ स्पाइनल लर्व सेट ऑरिजिनेट फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द स्पाइनल कोड सो ये हमारी स्पाइनल कोड है एंड हमें पता है कि हमारी स्पाइनल कोड में थर्टी वन सेगमेंट्स होते हैं एंड हर सेगमेंट में से एक पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व निकलती है सो थर्टी वन सेगमेंट्स है तो उसमें से थर्टी वन पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स ऑरिजिनेट होती हैं सो so, एक नर्व राइट साइड निकलती है एंड एक नर्व लेफ्ट साइड सो दीज नर्व लीव द वर्टिब्रल कॉलम बाय पासिंग थ्रू द इंटर वर्टिब्रल फोरामिना एक्सेप्ट द फर्स्ट स्पाइनल नर्व सो ये कैसे होता है सो so, ये हमारी स्पाइनल कोड है एंड इस स्पाइनल कोड से स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं सो so, ये स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं सो so, ये स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कोड से निकलने के बाद हमारी वर्टिब्रल कॉलम से पास होती हैं क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम ने हमारी स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट किया हुआ है एनक्लोज किया हुआ है सो so, हमारी बॉडी तक पहुंचने से पहले ये स्पाइनल नर्व्स वर्टिब्रल कॉलम से भी पास होंगी ये कैसे होता है सो so, ये फर्स्ट वर्टिब्र वर्टिब्रा है सपोज एंड ये सेकेंड वर्टिब्रा है एंड ये जो दोनों एडजेसेंट वर्टिब्रा है ये मिलकर एक ओपनिंग बनाते हैं सो so, ये जो एडजेसेंट वर्टिब्रा है ये दोनों इनकी नोट्स मिलकर एक ओपनिंग बनाती है जिसको कहते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामैन सो फोरामैन का मतलब क्या होता है ओपनिंग सो so, ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं ये स्पाइनल कोड से निकलने के बाद इस ओपनिंग में से पास होती हैं सो so, ये सपोज राइट स्पाइनल नर्व पास हुई है एंड ये लेफ्ट साइड की सो so, इसी तरह से ये स्पाइनल कोड से ये नर्व्स निकल रही हैं एंड ये नर्व्स कहाँ से निकल रही हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामिना से पास हो रही हैं हमारी बॉडी तक पहुँचने से पहले नाउ जो फर्स्ट स्पाइनल नर्व है सो फर्स्ट स्पाइनल नर्व हमारी कहाँ से पास होती है क्योंकि हमारी स्पाइनल कोड ओसिपिटल लोब से कनेक्टेड है सो ओसिपिटल लोब और जो फर्स्ट सर्वाइक फर्स्ट वर्टिब्रल फर्स्ट वर्टिब्रा है दैट इज सी वन जो कि फर्स्ट वर्टिब्रा है इसको कहते हैं एटलस सो जो हमारी फर्स्ट स्पाइनल नर्व है वो कहाँ से पास होती है बिटवीन द ओसिपिटल बोन एंड एटलस जो कि हमारा फर्स्ट वर्टिब्रा है ओनली एक्सेप्शन uh, यही है कि जो फर्स्ट स्पाइनल नर्व है वो हमारी ओसिपिटल बोन और जो फर्स्ट वर्टिब्रा uh, है जिसको एटलस कहते हैं वहाँ से पास होगी सो so, यहाँ से फर्स्ट uh, जो है सर्वाइकल फर्स्ट स्पाइनल नर्व पास होती है सो so, ये दिस इज सी वन जो कि फर्स्ट स्पाइनल नर्व है ये सी वन यानी कि जो एटलस है उससे ऊपर पास होती है ओसिपिटल बोन और एटलस के बीच में से एटलस यानी फर्स्ट वर्टिब्रा के बीच में जो बाकी की सारी स्पाइनल नर्व्स हैं वो एडजस्टिव वर्टिब्रा यानी इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से पास होती हैं जैसे कि जो सी टू है सो so सी टू हमारी सी वन और सी टू के बीच में से पास होगी मीन्स फर्स्ट वर्टिब्रा और सेकेंड वर्टिब्रा के बीच में से पास होगी सी थ्री हमारी सेकेंड वर्टिब्रा और थर्ड वर्टिब्रा के बीच में से पास होगी ऐसे सी फोर हमारी थर्ड वर्टिब्रा और फोर्थ वर्टिब्रा के बीच में से पास होंगी एंड सो ऑन सो बाकी जितनी भी नर्व्स है वो एडजेसेंट वर्टिब्रास के बीच में से पास होती है इंटरवर्टिब्रल फोरामैन से लेकिन जो फर्स्ट स्पाइनल नर्व है वो सिर्फ ओसिपिटल बोन और जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है एटलस उसके बीच में से पास होती है इंटरवर्टिब्रल फोरामैन से पास नहीं होती नाउ इसका फंक्शन स्पाइनल नर्व क्या करती है सो so, स्पाइनल क्या करती है सेंसरी इंफॉर्मेशन को सपोज uh, ये हमारी बॉडी है राइट right? सो so, ये बॉडी से सेंसरी इंफॉर्मेशन कहाँ तक लेके जाती है स्पाइनल कोड से होते हुए हमारे ब्रेन तक राइट right? और जो मोटर इंफॉर्मेशन है उसको हमारे ब्रेन से होते हुए देन स्पाइनल कोड से होते हुए हमारी बॉडी तक लेकर आती है सो स्पाइनल नर्व्स का यही काम है हमारी बॉडी और ब्रेन uh, बॉडी को हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड के साथ कनेक्ट करना सो सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी से स्पाइनल कोड से होते हुए हमारे ब्रेन तक जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाती है एंड जो मोटर इंफॉर्मेशन वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारी बॉडी तक आती है नाउ नर्व रूट्स सो स्पाइनल कोड के कुछ रूट्स होती हैं सो so, ये है हमारी स्पाइनल नर्व सो स्पाइनल नर्व की कुछ रूट्स होती हैं स्पाइनल नर्व ये है हमारी एंड ये हमारे स्पाइनल कोड से मिलने से पहले कुछ रूट्स में डिवाइड हो जाती है या फिर आप ये कह सकते हैं कि स्पाइनल कोड से निकलने से पहले स्पाइनल नर्व रूट्स में डिवाइड होती है सो ईच स्पाइनल नर्व इज़ फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ अ मोटर एंड अ सेंसरी नर्व रूट सो ये हमारे जो स्पाइनल कोड है उसका एक क्रॉस सेक्शन है एंड ये हमारी uh, वेंट डोरसल साइड है डोरसल या फिर पोस्टीरियर साइड है राइट right? एंड ये आ, हमारी स्पाइनल कोड की वेंट्रल या फिर एंटीरियर साइड है सो so, वेंट्रल या फिर एंटीरियर का क्या मतलब होता है फ्रंट साइड एंड डोरसल या फिर पोस्टीरियर का क्या मतलब होता है बैक साइड सो जो डोरसल साइड से जो रूट निकलती है उसको बोलते हैं डोरसल रूट एंड ये रूट कौन सी होती है सेंसरी रूट सो ये सेंसरी इंफॉर्मेशन लेकर जाती है हमारे सी एन एस तक एंड जो वेंट्रल साइड से जो रूट निकलती है उसको बोलते हैं वेंट्रल रूट और वो कौन सी होती है मोटर रूट सो ये मोटर इंफॉर्मेशन लेकर जाती है हमारी बॉडी तक सो so जो मोटर रूट है उसको एंटीरियर वेंट्रल या फिर इफरेंट रूट भी बोलते हैं क्योंकि इफरेंट का मतलब है कि वो हमारी बॉडी से हमारे ब्रेन से दूर जाती है हमारी बॉडी तक और जो डोर्सल रूट है उसको क्या बोलते हैं सेंसरी रूट पोस्टीरियर रूट एफरेंट रूट और ये कहाँ तक जाती है हमारे ब्रेन तक जाती है हमारी बॉडी से हमारे ब्रेन तक सो स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल नर्व है ये हमारी स्पाइनल नर्व है ये किसका मिक्सचर है एक तो डोर्सल रूट का और एक वेंट्रल रूट का मतलब सेंसरी रूट और मोटर रूट दोनों का मिक्सचर है इसलिए स्पाइनल नर्व्स क्या हुई मिक्स्ड नर्व हुई राइट right? सो so, ये क्या हुई एक मिक्स नर्व हुई इसमें सेंसरी इंफॉर्मेशन भी है और मोटर इंफॉर्मेशन भी है दिस इज ऑपोजिट टू क्रेनियल नर्व क्रेनियल नर्व कुछ क्रेनियल नर्व मिक्स होती हैं uh, कुछ क्रेनियल नर्व मोटर होती हैं कुछ सेंसरी होती हैं लेकिन जो स्पाइनल नर्व है वो ऑलवेज मिक्स नर्व होंगी उसमें मोटर भी होगा और सेंसरी इंफॉर्मेशन भी होगी नाउ जस्ट आउटसाइड द स्पाइनल कोड पोस्टीरियर नर्व रूट कंसिस्ट ऑफ स्पाइनल गैंगलियन सो so, uh, ये जो पोस्टीरियर रूट है यानी जो डोरसल कोड से निकलने के बाद यहाँ पर एक so, रूट है, है में क्या होता है डोरसल रूट की सेल बॉडीज होती हैं सो so, यहाँ पर बहुत सारी सेल बॉडीज का क्लस्टर होता है इस डोरसल रूट गैंगलियन में बहुत सारी सेल बॉडीज यहाँ पर इकट्ठी हुई होती है इसलिए ये बनाते है और इसको बोलते हैं डोरसल रूट गेंगलियोन जबकि जो वेंट्रल रूट है जो मोटर रूट है उसका जो गैंगलियोन है मीन्स उसकी जो सेल बॉडी है वो ग्रे मैटर के इनसाइड ही प्रेजेंट होती है अगर आपको ये और डिटेल में पढ़ना है सो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं स्पाइनल कोड पार्ट टू नाउ ब्रांचेस ऑफ स्पाइनल नर्व्स, सो स्पाइनल नर्व्स भी इंटरवर्टिब्रल फोरामैन से निकलते ही फर्दर ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है सो इमिजिएटली आफ्टर लिविंग द इंटरवर्टिब्रल फोरामैन स्पाइनल नर्व्स डिवाइड इन टू टू ब्रांचेस और इस ब्रांचेस को क्या कहते हैं रेम आई सो ये ये है हमारी स्पाइनल लर्व राइट सो so, ये स्पाइनल लव इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से निकलते ही टू में डिवाइड होगी एक ये ब्रांच में और एक ये ब्रांच में इस ब्रांच को क्या बोलते हैं रेमाई सो जो ये है पोस्टीरियर साइड हमारे स्पाइनल कोड की एंड ये है हमारी एंटीरियर साइड या फिर फ्रंट साइड या फिर वेंट्रल साइड हमारे स्पाइनल कोड की सो so, ये स्पाइनल कोड का क्रॉस सेक्शन है सो so, जो पोस्टीरियर साइड ब्रांच डिवाइड हुई है स्पाइनल नर्व से उसको बोलते हैं पोस्टीरियर रैम या फिर डोरसल रैम क्योंकि डोरसल का मतलब भी क्या है पोस्टीरियर so, ये जो एंटीरियर साइड जो ब्रांच निकली है इसको बोलते हैं एंटीरियर रैम या फिर वेंट्रल रैम क्योंकि वेंट्रल का मतलब भी क्या है एंटीरियर सो so, एंटीरियर या फिर वेंट्रल रेमस नेम से ही क्लियर हो रहा है एंटीरियर का क्या मतलब है फ्रंट पोर्शन सो ये हमारे किसको सप्लाई करती है हमारी बॉडी के एंटीरियर एस्पेक्ट को सो so, जो हमारी बॉडी का एंटीरियर पोर्शन है या फिर जो लेटरल पोर्शन है साइड्स वाला पोर्शन उसको सप्लाई करती है एंटीरियर रैमस सो एंटीरियर रैमस हमारे स्किन और मसल्स हैं जो हमारे स्किन और मसल्स हैं एंटीरियर या फिर लेटरल एस्पेक्ट के उसको सप्लाई करती है सो so स्किन से क्या मतलब है सेंसरी इंफॉर्मेशन और मसल से क्या मतलब है मोटर इंफॉर्मेशन क्योंकि हमारी जो स्पाइनल नर्व है मिक्स नर्व है सो so हमारे स्किन को भी सप्लाई करेगी मसल्स को भी सो so स्किन और मसल्स एक तो लेटरल और एंटीरियर साइड के हमारी बॉडी के नेक को ट्रंक को एंड अपर और लोअर लिब चाहे वो पोस्टीरियर हो चाहे एंटीरियर उनको सप्लाई करेगी देन जो पोस्टीरियर या फिर डोरसल रेमस है सो तो ये हमारे बैक साइड की नर्व है सो तो ये किसको सप्लाई करेगी हमारे पोस्टीरियर एस्पेक्ट यानी जो हमारी पोस्टीरियर साइड की बॉडी है उसको अप्लाई करेगी और सप्लाई uh, जो है स्किन को भी करेगी और मसल को भी क्योंकि ये मिक्स नर्व है सो तो स्किन में सेंसरी इंफॉर्मेशन और मसल को मोटर इंफॉर्मेशन तो स्किन और मसल दोनों को किसको पोस्टीरियर साइड ऑफ द हेड नेक एंड ट्रंक सो जो हमारा एंटीरियर साइड है हेड नेक और ट्रंक का उसको कौन सप्लाई कर रहा है एंटीरियर रेमस uh, और जो पोस्टीरियर साइड है हमारे हेड और ट्रंक का उसको पोस्टीरियर रेमस सप्लाई करेगा नेक्स्ट है हमारी प्लेक्सिस नाउ प्लेक्सीज क्या होते हैं जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो वर्टिब्रल कॉलम से निकलते ही कुछ प्लेक्सीस बनाती हैं सारी स्पाइनल नर्व्स नहीं बनाती कुछ स्पाइनल नर्व्स फ्लेक्सीस बनाती हैं कुछ नहीं बनाती फ्लैक्सीस का मतलब है कि जो एंटीरियर रेम है जो प्रीवियस वीडियो में हमने ये एंटीरियर रेम देखा था जो एंटीरियर साइड की जो स्पाइनल नर्व ब्रांच हो जाती है एंटीरियर रेम आई सो ये एंटीरियर रेम आई मान लो ये फर्स्ट जो स्पाइनल नर्व है उसकी एंटीरियर रैम आई सेकेंड स्पाइनल नर्व की एंटीरियर रेम आई सो इन स्पाइनल नर्व्स की एंटीरियर रेम आई मिलकर मिल जाती हैं यूनाइट हो जाती हैं मर्ज हो जाती हैं और वो क्या बनाती है एक नेटवर्क ऑफ नर्व्स सो ये नेटवर्क ऑफ नर्व्स को क्या कहते हैं प्लेक्सिस सो द इंटीरियर एम आई यूनाइट टूगेदर एंड फॉर्म नर्व नेटवर्क सो वो क्या बनाती हैं नर्व नेटवर्क जिसको हम क्या बोलते हैं प्लेक्सिस सो देअर आर फाइव लार्ज प्लेक्सिस सो फाइव लार्ज प्लेक्सीस होते हैं उससे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारी जो स्पाइनल नर्वस हैं जो थर्टी वन पेयर ऑफ नर्वस हैं वो कितनी होती हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी एट सो जो सर्वाइकल नर्व्स होती हैं वो हमारी एट होती हैं थोरेसिक नर्व्स हमारी ट्वेल्व होती हैं टी ट्वेल्व लम्बर नर्वस हमारी फाइव होती हैं एल फाइव और सेक्रल नर्व्स हमारी वो भी फाइव होती हैं एस फाइव और कोक्सीजियल नर्व हमारी वन होती है सो so, जितने सेगमेंट्स हमारे स्पाइनल कोड की हैं उतनी ही पेयर ऑफ नर्व्स निकलती हैं सी एट टी ट्वेल्व एल फाइव एस फाइव सी वन होती है सो so, ये वर्टिब्रल कॉलम्स के जो सेगमेंट है उससे थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है सो देयर आर फाइव प्लेक्सीज फाइव प्लेक्सीज होते हैं एक्सेप्ट थोरेसिक रीजन सो जो थोरेसिक रीजन वाली नर्व्स हैं यानी कि टी ट्वेल्व ये प्लेक्सिस नहीं बनाती ये आपस में इनके जो एंटीरियर रेमाई है वो मर्ज नहीं होते सो so, सबसे पहले जो लार्ज प्लेक्सेस है वो है सर्वाइकल प्लेक्स देन सेकेंड जो प्लेक्स है लार्ज दैट इज ब्रेकियल प्लेक्स थर्ड लंबर प्लेक्स फोर्थ सेक्रल प्लेक्स एंड लास्ट इज कॉक्सीजियल प्लेक्सिस सो जो फर्स्ट प्लेक्स है दैट इज सर्वाइकल प्लेक्स राइट सर्वाइकल प्लेक्स कितनी नर्व से मिलकर बनता है सो सर्वाइकल प्लेक्सिस किससे बनता है जो फर्स्ट फोर सो फर्स्ट फोर जो सर्वाइकल नर्व्स हैं फर्स्ट फोर सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स हैं उससे मिलकर सर्वाइकल प्लेक्सस बनता है सो सी वन से सी फोर जो सर्वाइकल नर्व्स हैं वो सर्वाइकल प्लेक्सस बनाती हैं देन ब्रेकियल प्लेक्सेस ब्रेकियल प्लेक्सेस किससे बनता है सी फाइव से टी वन सो फिफ्थ सर्वाइकल नर्व से लेके फर्स्ट थोरेसिक नर्व तक कौन सा प्लेक्सिस बनता है ब्रेकियल प्लेक्सेस देन हम बात करते हैं लंबर प्लेक्सस की लंबर प्लेक्सस किससे बनता है एल वन से लेके एल फोर so सो एल वन क्या है हमारी फर्स्ट लंबर नर्व से लेके एल फोर फोर्स्ट फोर्थ फर्स्ट से लेके फोर्थ लंबर नर्व तक कौन सा बनता है लंबर प्लेक्सस देन हमारा है सेक्रल प्लेक्सिस सेक्रल प्लेक्सिस किससे बनता है एल फोर से लेके एस फोर सो एल फोर यानी फोर्थ लंबर नर्व का कुछ पोर्शन लंबर प्लेक्स में इन्वॉल्व होता है एंड कुछ पोर्शन जो है सेक्रल प्लेक्सेस में इन्वॉल्व होता है सो so जो फोर्थ लंबर नर्व से लेके हमारी जो एस फोर है फोर्थ सेक्रल नर्व तक कौन सा प्लेक्सिस बनता है सेक्रल प्लेक्सिस और लंबर और सेक्रल प्लेक्स को इकट्ठा क्या बोलते हैं लंबो सेक्रल प्लेक्सिस जो कि L1 से लेके S4 तक बनता है देन है कोक्सीजियल प्लेक्सेस सो so, कोक्सीजियल प्लेक्सिस किससे बनता है S5 और C1 से सो so, कोक्सीजियल प्लेक्सिस है S5 जो फिफ्थ सेक्रल नर्व है और फर्स्ट जो कोक्सीजियल नर्व है उससे मिलकर बनता है कोक्सीजियल प्लेक्सिस सो so, मैंने इस चार्ट में प्लेक्सीस दिखाए हैं कौन कौन से लार्ज प्लेक्सीज हैं फाइव लार्ज प्लेक्सिज हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है एंड उनके फंक्शंस क्या हैं सो so, सबसे पहले आता है सर्वाइकल प्लेक्सीस जो कि मेनली जो सर्वाइकल नर्व्स हैं जो हमारी सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स हैं उनसे बना है सो so, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है फॉर्म्ड बाय एंटीरियर एम आई ओ फर्स्ट फोर सर्वाइकल नर्व्स जो फर्स्ट फोर सर्वाइकल नर्व्स हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं सर्वाइकल प्लेक्सस इनका फंक्शन क्या है We'll be right <laughs> back. जो सुपरफिशियल ब्रांचेज है वो स्किन एंड मसल्स ऑफ हेड और नेक को सप्लाई करती हैं सो so, इसमें ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जितने भी स्पाइनल नर्व्स हैं वो क्या है मिक्स नर्व्स हैं इट मीन्स वो सेंसी इन्फॉर्मेशन को भी पास करती हैं एंड मोटर इन्फॉर्मेशन को भी अगर वो सेंसी इंफॉमेशन को हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड तक पहुँचा रही हैं तो वो हमारे स्किन से इंफॉर्मेशन लेकर जाएंगी एंड अगर वो मोटर इन्फॉर्मेशन को पास कर रही हैं हमारे मसल्स तक तो वो ब्रेन और स्पाइनल कोड से हमारे मसल्स तक आएंगी इसलिए स्किन और मसल्स दोनों इन्वॉल्व होंगे nerves me सो सुपरफिशियल ब्रांचेस जो हैं वो स्किन और मसल्स हेड और नेक को सप्लाई करती हैं उनकी स्किन और मसल्स को सप्लाई करती हैं जो C3 थ्री थर्ड सर्वाइकल नर्व है फोर्थ और फिफ्थ ये किसको सप्लाई करती हैं डायफ्राम को सो so, ये तीनों नर्व मिलकर क्या बनाती हैं फ्रेनिक नर्व सो फ्रेनिक नर्व हमारे डायफ्राम को सप्लाई करती है डायफ्राम क्या है हमारा ब्रीदिंग मसल है जो कि हमारे लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है एंड डायफ्राम ही हमारे थोरेसिक और एबडोमल कैविटी को सेपरेट करता है नाउ सर्वाइकल प्लेक्सिस का मेन फंक्शन क्या है हमारे हेड नेक और डाइफ्राम को सप्लाई करना देन है हमारा ब्रेकिअल प्लेक्सिस सो ब्रेकियल प्लेक्सिस किस को सप्लाई करता है सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन फॉर्म्ड बाय लोअर फोर सर्वाइकल नर्व सो जो लोअर फोर सर्वाइकल नर्व है सो टोटल हमारी कितनी सर्वाइकल नर्व्स हैं एट सो जो लोअर फोर है एंड जो फर्स्ट थॉरेसिक नर्व है सो फर्स्ट थॉरेसिक नर्व का कुछ पार्ट एंड जो लोअर फोर सर्वाइकल नर्व है वो मिलकर क्या बनाती हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस सो इसमें जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है वो फर्दर कुछ ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है सो ब्रेकियल प्लेक्सिस की जो नर्व्स हैं मेन नर्व्स वो मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं सो फर्स्ट है एक्सिलरी so, नर्व सो so, एक्जीला क्या होता है हमारे अंडर आर्म वाला एरिया जो आर्म की अंडर आर्म होती है उसका एरिया सो एक्सिलरी नर्व मोस्टली उसी एरिया को सप्लाई करेगा सो एक्सिलरी नर्व हमारा डेल्टोइड मसल जो हमारे शोल्डर पर हमारी अपर आर्म पर मसल होता है डेल्टोइड मसल शोल्डर जॉइंट एंड उसकी ओवरलाइन स्किन पर सप्लाई करता है सो एक्जिलरी नर्व जो है हमारी सी फाइव और सी सिक्स से बनती है देन हमारी रेडियल नर्व सो रेडियल नर्व इम्पॉर्टेंट नर्व है लार्जेस्ट ब्रांच है ये ब्रेकियल प्लेक्सिस की सो रेडियल नर्व किससे बनती है C5, C6, C7, C8 और T1, फर्स्ट थोरेसिक नर्व से बनती है सो so, ये लार्जेस्ट ब्रांच है ब्रेकियल प्लेक्सिस की ये किसको सप्लाई करती है ट्राइसेप्स मसल को रिस्ट को फिंगर जॉइंट को एंड स्किन ऑफ थंब एंड सम फिंगर्स देन है हमारी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ये किससे बनती है सी फाइव सिक्स और सेवन से ये किसको सप्लाई करती है मसल ऑफ अपर आर्म एंड स्किन ऑफ फोर आर्म देन हमारी आती है मीडियन नर्व सो मीडियन नर्व किससे बनती है सी फाइव सिक्स सेवन एट और टी वन से ये किसको सप्लाई करती है मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ फोर आर्म स्किन ऑफ फ्रंट ऑफ थंब एंड फिंगर्स एंड देन है अलर नर्व अल्लर नर्व किससे बनती है सी सेवन एट और टी वन से ये कौन से मसल्स को सप्लाई करती है अल्नर एस्पेक्ट्स ऑफ फोर को एंड पाम ऑफ हैंड एंड स्किन ऑफ फिंगर्स सो ब्रेकियल प्लेक्सस मोस्टली हमारे किसको सप्लाई कर रहा है अपर लिम्ब्स को राइट right? देन है हमारा लंबर प्लेक्सस सो लंबर प्लेक्सस कैसे बनता है फॉर्म्ड बाय एंटीरियर एम फर्स्ट थ्री एंड पार्ट ऑफ फोर्थ लंबर नर्व्स। सो so, जो फर्स्ट थ्री लंबर नर्व्स हैं एंड कुछ पार्ट फोर्थ लंबर नर्व का मिलकर क्या बनाता है लंबर प्लेक्सेस सो फर्स्ट इसमें जो नर्व्स आती हैं इसकी भी कुछ ब्रांचेस हैं फर्स्ट है इलियो हाइपोगेस्ट्रिक जो एल वन से बनी है इलियो इंग्विनल एल टू से बनी है जेनाइटोफिमोरल एल वन और एल टू से बनी है ये तीनों जो नर्व्स हैं किसको सप्लाई करती हैं मसल्स एंड स्किन ऑफ लोअर एबडोमन अपर एंड मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई इंग्विनल एरिया देन है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई एल टू और एल थ्री से बनी है सो लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई तो सिंपली ये थाई को सप्लाई करती है देन है फिमोरल नर्व ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है एल टू एल थ्री एल फोर से बनती है लार्जेस्ट लंबर नर्व है ये फिमोरल फीमोरल वर्ड किस रिलेटेड है हमारी फीमर से जो लार्जेस्ट बोन है हमारी थाई की सो so, एक इसको सप्लाई करती है स्किन एंड मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ थाई देन ऑप्टूरेटर नर्व एल टू एल थ्री और एल फोर से बना है ये किसको सप्लाई करता है स्किन एंड एडप्टर मसल ऑफ थाई देन लंबो सैक्रल ट्रंक एल फोर और एल फाइव से बना है मेक्स कंट्रीब्यूशन टू सेक्रल प्लेक्सेस सो ये एल फोर और एल फाइव ये सेक्रल प्लेक्सेस में कंट्रीब्यूट करती हैं बनने में सो so, हमने लम्बर प्लेक्सेस में मोस्टली क्या देखा कि ये हमारे मसल्स एंड स्किन जो हमारे थाई की है उसको सप्लाई करता है दैन हमारा सेक्रल प्लेक्सस ये किससे बनता है फॉर्म्ड बाय एंटीरियर एम आई पार्ट ऑफ एल फोर एंड एल फाइव कुछ पार्ट एल फोर और एल फाइव जो कि लंबर प्लेक्सस में भी इन्वॉल्व होता है सेक्रल प्लेक्सस में भी एल फोर और एल फाइव का कुछ पार्ट देन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सेक्रल नर्व्स सो सेक्रल नर्व्स इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है इसलिए ये क्या है सेक्रल प्लेक्सस। सो इसकी कुछ ब्रांचेस हैं सबसे पहले है सियाटिक नर्व वेरी इंपॉर्टेंट नर्व है सियाटिक नर्व ये लार्जेस्ट नर्व है हमारी पूरी बॉडी में सो so, ये किसको सप्लाई करती है हैमस्ट्रिंग मसल्स को जो कि हमारी पोस्टीरियर थाई में प्रेजेंट होती हैं सियाटिक नर्व फर्दर कुछ ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है फर्स्ट so है टीबियल नर्व सो टीबियल नर्व टीबिया से रिलेटेड है मसल एंड स्किन ऑफ पोस्टीरियर थाई को सप्लाई करती है सोल ऑफ फीट को एंड टोज को स्यूरल नर्व स्यूरल नर्व सप्लाई किसको करती है स्किन ऑफ हील एंकल एंड फुट देन कॉमन पेरोनियल नर्व स्किन एंड मसल्स ऑफ एंटीरियर ऑफ लेग फुट एंड टोज देन है हमारी प्यूडेंडल नर्व प्यूडेंडल नर्व भी इंपॉर्टेंट है ये एस टू एस थ्री और एस फोर से बनती है एक्सटर्नल एनल स्विंचर जो हमारे एनस के आसपास स्विंचर होते हैं जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं एनस की एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्विंक्चर यूरेथ्रा का जो स्विंचर होता है एंड एडजेसेंट स्किन इसको सप्लाई करती है प्युडेंडल नर्व ये भी इंपॉर्टेंट है सो सेक्रल प्लेक्स में हमने मेनली क्या पढ़ा है कि जो लेग और फुट है उसको सप्लाई करती है देन इसमें प्यूडेंडल नर्व भी इंपॉर्टेंट है लास्ट इज ऑक्सीजल प्लेक्सस ये किससे बनता है फॉर्मड ए पार्ट ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ सेक्रल नर्व सो जो फोर्थ एंड फिफ्थ सेक्रल नर्व है उसका कुछ पार्ट एंड जो कोक्सीजियल नर्व है उसका उससे मिलकर बनती है कोक्सीजियल प्लेक्सस ये किसको सप्लाई करती है स्किन अराउंड द कॉसिक्स एंड एनल एरिया सो कॉसिक्स और एनल एरिया की जो स्किन है उसको सप्लाई करती है मेनली नाउ सिक नर्व्स सो मैंने बताया था कि ओनली एक्सेप्शन यही है कि जो थोड़े नर्व्स हैं दैट इज टी वन से लेके टी ट्वेल्व तक वो प्लेक्सस नहीं बनाती सो दे डू नॉट इंटरमिंगल ये आपस में नहीं मिलती मर्ज नहीं होती टू फॉर्म प्लेक्सस सो आउट ऑफ ट्वेल्व जो फर्स्ट इलेवन है दैट इज टी वन टू टी इलेवन आर इंटरकोस्टल नर्व सो ये क्या बनाती है इंटरकोस्टल नर्व सो इंटरकोस्टल नर्व है तो किसको सप्लाई करेंगी इंटरकोस्टल मसल्स को और इंटरकोस्टल मसल्स क्या होते हैं जो हमारी दो रिब्स के बीच में मसल्स प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स उन मसल्स को सप्लाई करती है एंड ओवरलाइंग स्किन जो स्किन वहां पर ओवरलाइंग है उसको सप्लाई करती है क्योंकि ये भी एक स्पाइनल नर्व है सो मिक्स नर्व है मसल को भी सप्लाई करेगी स्किन को भी देन जो ट्वेल्थ पेयर है वो क्या बनाती है सब कोस्टल नर्व सो so, सेवन से लेके ट्वेल्थ T7 से लेके T12 ट्वेल्थ नर्व सप्लाई मसल्स एंड स्किन ऑफ पोस्टीरियर एंड एंटीरियर एंटीर एबडोमल एंटी मसल सो so, सेवन से लेकर ट्वेल्थ थोरेसिक नर्व जो हमारे मसल और स्किन है पोस्टीरियर और एंटीरियर दोनों साइड के एब्डोमिनल मसल को सप्लाई करती है सो so, ये हमारी सारी स्पाइनल नर्व्स हैं इनके फंक्शन आपको याद रखने हैं जितने आप याद रख सकें उतना अच्छा है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आगे आप जो एम सी क्यूज आते हैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी आप में हेल्पफुल होगा Then, if you understood this video, please like, subscribe, and share my channel. Thank you for watching.